नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MH1 न्यूज, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी में बर्फबारी हुई है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने के साथ ही माता वैष्णो देवी भवन और उसके आसपास बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। श्रद्धालु माता के दर्शनों के साथ साथ बर्फबारी का भी पूरा आनंद ले रहे हैं। बारिश के कारण कटरा में भी ठंड काफी बढ़ गई है और भवन मार्ग पर सर्द हवाएं चल रही हैं। बारिश और बर्फबारी के बीच यात्रा सामान्य तरीके से चल रही है। सर्दियों में दूसरी बार भवन पर बर्फबारी हुई है। उधर बर्फबारी की वजह से कटरा से भवन तक चौपर सेवा भी सस्पेंड की गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि पैदल यात्रा बिना बाधा के जारी है। अर्धकुंवारी से भवन तक चलने वाली बैटरी कार सेवा भी फिलहाल बंद है। खराब मौसम के कारण भवन की बिजली सेवा भी कुछ समय प्रभावित रही। मौसम विभाग ने 14 फरवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन। हमारे संवाददाता राजेंद्र दुबे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं इस वक्त कैसा नजारा है और कितनी वहां पर बर्फबारी हुई है। राजेंद्र देखिए, बिल्कुल मैं माता वैष्णो देवी के दरबार से सभी MH1 न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सबको जय माता दी कहता हूं। बिल्कुल सफेद चादर में लिपटा हुआ है माता वैष्णो देवी का दरबार। साफ तौर पे कहा जाए तो जहां पर अगर आने के बाद साफ तौर पे लगता है कि मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से जन्नत में पहुंच चुका हूं, स्वर्ग में पहुंच चुका हूं। जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार जहां पर आ रहे हैं, एक तो वो माता वैष्णो देवी के दर्शन जहां पर कर रहे हैं और वहीं पर दूसरी तरफ बर्फ का नजारा वहां पर ले रहे हैं। साफ तौर पर मैंने कई फैमिली को जहां पर देखा है वो पूरी तरीके से मजे ले रहे हैं। एक तो जयकारे लगाते हुए जय माता दी बोलते हुए माता के दरबार के अंदर जा रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कई जो श्रद्धालु हैं बर्फ का नजारा ले रहे हैं। कल रात से जहां पर लगातार जो थी बर्फबारी हो रही थी, कई श्रद्धालुओं से हमने बात करने की कोशिश की तो वो साफ तौर पे बोल रहे थे कि जहां पर आने के बाद हमने पहली बार बर्फबारी का मजा लिया है और अपने साथ पहली बार जहां पर बर्फ होते हुए देखा है। आज हमारे साथ मौजूद है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भवन के SDM श्री जगदीश सिंह जी। उन्हीं से बात करते हैं कि वो श्रद्धालुओं के साथ किस तरीके से जहां पर मजे ले रहे हैं, बर्फबारी का लिए कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को दर्शन जहां पर करवा रहे हैं और किस तरीके से श्राइन बोर्ड ने जहां पर अरेंजमेंट किए हुए हैं। जगदीश सिंह जी, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। आप भवन पे जहां पर हैं, श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, बर्फ की चादर में जो है जहां पर भवन जो है वो लिपटा हुआ है, तो किस तरीके से जहां पर श्रद्धालुओं के लिए आप जहां पर लगे? धन्यवाद। मैं MH1 चैनल का स्वागत करता हूं और मैं यही कहना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि पूरा त्रिकुट पर्वत जो है वो सफेद चादर में लिपटा हुआ है। बर्फ बहुत अच्छी यहाँ पे हुई है। भैरव घाटी में बहुत बढ़िया हिमपात हुआ है। भवन मेन में जो है बहुत बढ़िया हिमपात हुआ है और श्रद्धालु इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। श्रद्धालुओं को इस चीज़ का इंतज़ार रहता है कि एक तो इन दिनों जो है वो प्राचीन गुफा खुली होती है, उस चीज़ का भी इंतज़ार रहता है। ऊपर से अगर ये बर्फ यहाँ पे देखने को मिलती है तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितना ज़्यादा उत्साह है इस बात को लेके, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार यहाँ पे हिमपात देखा हो और पहली बार हिमपात होते हुए देखा है। तो रात भर हिमपात होता रहा है, कल सुबह भी हुआ है, बारिश होती रही है। अभी तो मौसम साफ है लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ है पूरा भवन का जो परिसर है और पूरा त्रिकुट पर्वत। बस श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगा कि जब आप घर से अपने चलते हैं तो इस तरह से प्लानिंग करें अपनी यात्रा को कि आपको यहाँ पे ठंड से दो चार ना होना पड़े। जैसे वुलन्स हैं, गर्म कपड़े आप पर्याप्त मात्रा में अपने साथ रख लें और बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। बाकी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से जो है वो पूरा यहाँ पे पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। आप देखेंगे जगह जगह जो है वो चारकोल जो है कोयला जो है वो जला के रखा हुआ है सगड़ी में हम लोगों ने, और गर्म पानी की सुविधा है। पीने के लिए भी अब जो है वो हमारे पास अच्छा हर जगह जो है वो गर्म पानी उपलब्ध है और जगह जगह हमारे पास डिस्पेंसरी उपलब्ध है, सारी स्वास्थ्य सेवा जो है वो उपलब्ध है। तो किसी किस्म की वैसे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो उनका जो वस्त्र वगैरह है उनका ध्यान रखें और यहाँ पे आके भरपूर आनंद लें। प्राचीन गुफा खुली हुई है और उसके साथ साथ जो है हिमपात का भी आनंद लें। देखिए, जहाँ पर बिल्कुल सफ़ेद चादर है, कई श्रद्धालु जहाँ पर पहुँचे और साफ तौर पर जब सफ़ेद चादर देखते हैं, कई लोगों ने जहाँ पर बोला हम तो स्वर्ग में पहुँच गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ श्राइन बोर्ड ने जहाँ पर देखा कंबल का अरेंजमेंट है, गर्म पानी है, सगड़ी जहाँ पर जला के रखी है, तो श्रद्धालु तो बर्फ में खेल रहे हैं, ठंड नहीं लग रही, परंतु उसके बाद वहाँ पर और मजा ले रहे हैं। तो ऐसे श्रद्धालुओं के साथ आप किस तरीके से मजा जहाँ पर ले रहे हैं? बिल्कुल, हम भी बड़ा आनंद ले रहे हैं इस हिमपात का, क्योंकि
इस बार तो पिछले दिनों कुछ जनवरी में थोड़ी बहुत हिमपात हुआ था, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। आज जो यहाँ पे बहुत अच्छा हिमपात हुआ है, और हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार रहता है बेसब्री से कि हिमपात हो और हम भी इस चीज़ को एंजॉय करें, तो भरपूर आनंद ले रहे हैं हम भी श्रद्धालुओं के साथ। श्रद्धालुओं की संख्या भी थोड़ी सी अभी बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि श्रद्धालुओं को जो प्रोग्राम होता है कि वो जनवरी फरवरी में प्रोग्राम बनाते हैं कि जहाँ पर आएंगे और हिमपात का मजा लेंगे, वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, और वहीं त्यौहार भी है, शिवरात्रि आ रही है, और उसके चलते हुए आपने किस तरीके के इंतजाम किए हुए? आज तो वैसे जैसे मैं कहूँगा कि शिवरात्रि भी है, आज भी है और कल भी मना रहे हैं लोग, तो अब तो मजा तिगुना हो गया, क्योंकि एक तो प्राचीन गुफा खुली हुई थी, ऊपर से शिवरात्रि भी है, और इस पर्व पे भी लोग यहाँ पे आते हैं, प्रायः यहाँ पे भीड़ रहती है, त्योहारों पे अच्छी भीड़ रहती है यहाँ पे। नॉर्मली देखा जाए तो इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हिमपात की खबर जो है लोगों तक पहुँचती है, तो लोग जो है एकदम बढ़ना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि या तो लोगों को कश्मीर में जाना पड़ेगा हिमपात देखने के लिए, या हिमाचल में जाना पड़ेगा। जम्मू के कुछ इलाके बहुत कम हैं, जैसे पत्नीटॉप हो गया या उसके बाद जो ये है, तो मैं तो समझता हूँ कि पत्नीटॉप को छोड़कर लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ को एक तो माता का दरबार है, ऊपर से आज महाशिवरात्रि भी है और बर्फ भी है, तो ये तो तिगुना आनंद हो गया इसमें। श्रद्धालु तो मजा ले रहे हैं, आप भी श्रद्धालुओं को देखने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा मजे ले रहे हैं, क्योंकि जब श्रद्धालु खुश होंगे तो श्राइन बोर्ड के जो जितने भी कार्य हैं वो बिल्कुल संपन्न यहाँ पर हो जाते हैं। तो किस तरीके से कुछ दिक्कतें भी यहाँ पर आती होंगी जब बर्फबारी हुई है, जब मौसम ठंडा है, श्रद्धालु तो मजे ले रहे हैं बट उनके साथ मजे लेते कुछ दिक्कतें भी यहाँ पर आती होंगी? बिल्कुल आती हैं, लेकिन उसके लिए हम जो है वो 24 घंटे हमारा जो प्रशासन है, हमारी टीम्स जो है वो अलर्ट रहती हैं। जैसे ही हिमपात कल हुआ तो हमें थोड़ा सा बिजली की समस्या आई, लेकिन वो अभी रिस्टोर हो गई है, सारा का सारा जो है पूरा सिस्टम इन प्लेस है। बिजली पानी की समस्या थोड़ी देर के लिए आ सकती है जैसे हिमपात हो तो, लेकिन अभी वो ट्रैक भी सारा क्लियर है, साथ साथ में हमारी टीम्स लगी हुई हैं, जैसे ही जो स्नोफॉल होता है तो उसको ट्रैक को क्लियर करने के लिए, जहाँ जहाँ भी वैसे तो शेल्टर शेड लगे हुए हैं हर जगह, तो ट्रैक पे आपको हिमपात नहीं दिखेगा, परंतु मेन भवन परिसर में जो है वो जो ट्रैक पे जो स्नो होती है उसको साथ साथ में क्लियर किया जाता है, और बाकी सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उस चीज़ के लिए हमारा पूरा जो तंत्र है वो काम कर रहा है। श्राइन बोर्ड पिछले काफ़ी सालों से श्रद्धालुओं के लिए काम करता आ रहा है, चाहे वो बिजली पानी की समस्या हो, रास्ते की समस्या हो, काफ़ी ज़्यादा काम करता आ रहा है, परंतु जब हम कल कटरा से भवन के लिए निकल के आ रहे थे, रास्ते में बिजली तो बंद थी, परंतु लोगों में उत्साह काफ़ी था, वो बार बार पूछते थे बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी हो रही है। तो जब वहाँ पर आपके पास श्रद्धालु पहुँचते हैं जहाँ पर बर्फबारी का मजा लेते हैं या दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आपका जो दिल है उस किस तरीके से खुशियों में पहुँच जाता है कि जब श्रद्धालु यहाँ पर खुश हो, आपके श्राइन बोर्ड के जितने भी काम हैं उनको देख के खुश हो, बर्फबारी का मजा ले रहे हो, वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हो, तो कितनी खुशी की बात होती है कि आप एक श्रद्धालु को अच्छा वहां पर काम? देखिए खुशी तो होती है, लेकिन हमें उस खुशी में ही सिर्फ ये नहीं है कि हम उसी में खुश रहें, तो हम अपना हमें हमारा उत्साह भी दुगना हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे साथ साथ जो है हम तो अपना काम कर रहे हैं, परंतु श्रद्धालु उस चीज़ को अगर थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत आती भी है, वैसे तो अपनी तरफ से पूरा हर इंसान जो है यहाँ पे, हर जो कर्मचारी है वहाँ पूरा अपना काम कर रहा है, निष्ठा के साथ काम कर रहा है, 24/7 काम कर रहे हैं, परंतु अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती भी है तो श्रद्धालु उस चीज़ को बड़ा अच्छे से लेते हैं कि हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा सिस्टम जो है, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स एक जो है अपनी श्राइन बोर्ड की इंटरनल जो है उसकी ट्रेनिंग्स टाइम टू टाइम चलती रहती हैं, तो इसी तरह की कोई अगर जैसे स्नोफॉल हो जाता है या कहीं कोई शूटिंग स्टोन छोटा मोटा कभी आ जाते हैं, तो उन चीज़ से निपटने के लिए हमारी वो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है, आपदा प्रबंधन की जो टीम है, वो हमेशा तैयार रहती है उस चीज़ से निपटने के लिए, तो कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है श्रद्धालुओं को। देखो जिस तरीके से मौसम का जहां पर अनुमान था कि 2 दिनों जहां पर और बारिश हो सकती है, परंतु आज देखा जाए तो मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है। न्यूज़ देखने के बाद जो श्रद्धालुओं का प्रोग्राम बना हुआ था कि वैष्णो देवी जाएंगे, मौसम का देख के अब थोड़े से हो सकता है श्रद्धालु जहां पर और पहुंचे, तो किस तरीके का जो संदेश है वो श्रद्धालुओं को आप देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि श्रद्धालु आए, मौसम तो ठीक है, अभी आज मौसम साफ हो गया बिल्कुल, और अगर बारिश होती भी है तो उसमें इतना कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि हमारा पूरा तंत्र जो है इसमें पूरा तैयारी के साथ अलर्टनेस के साथ अपने काम पे लगा रहता है। अगर कोई दिक्कत होती भी है, कहीं रास्ता में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है कहीं, तो उसके लिए निपटने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं, तो श्रद्धालु आए, बस जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपना जो है वस्त्रों का ध्यान रखें, जैसे अभी आना है तो एकदम अगर कहीं गर्म इलाकों से लोग आते हैं तो 2 दिन पहले तक जो है गर्मी हो गई थी, मौसम इतना ठंडा नहीं रहा था, अचानक जो है
हिमपात होने की वजह से यहाँ अचानक ठंड बढ़ गई है। तो बस अपना छोटे बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं तो उनके वस्त्रों का जरा ध्यान रखें, गर्म कपड़े पहन के आएं, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारी तरफ से पूरा यहाँ सहयोग है श्रद्धालुओं के। तो अभी मौसम जो है थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, अभी सर्दी है तो श्रद्धालु बढ़ते हैं, तो आने वाले समय में थोड़ा सा मौसम और चेंज हो सकता है, तो आगे गर्मी भी आने वाले, तो श्राइन बोर्ड ने किस तरीके से और थोड़े अरेंजमेंट किए हैं कि जैसे जो श्रद्धालु जहाँ पर आए मजे भी लें, वैष्णो देवी के दर्शन भी करें, जयकारे लगाते हुए जहाँ से वापस घर चले। श्रद्धालुओं के लिए जैसे मैंने कहा कि किसी किस्म की कोई असुविधा हो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि किसी किस्म की असुविधा हो। हम गर्मी हो सर्दी हो या जो भी मौसम हो, बरसात का मौसम हो, हर मौसम के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, हमारी टीम डटी रहती हैं। तो अभी तो इस वक्त तो कोई चैलेंज मुझे लगता नहीं कि इस तरह से है। माता रानी सब पे कृपा रखे तो अपना काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छी बात, आज शिवरात्रि भी है, आपने कहा प्राचीन गुफा खुली हुई है, बर्फ से पूरा जो माता वैष्णो देवी का दरबार है वो सफेद चादर में लिपटा हुआ है। साफ तौर पे हम तो यही कहें कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं तो हम एक स्वर्ग में खड़े हैं, जहाँ पर माता वैष्णो देवी साथ में है, वो आशीर्वाद दे रही है, शिवरात्रि है, भोले बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वर्ग में खड़े होने के बाद किस तरीके से श्रद्धालुओं को कहेंगे कि स्वर्ग में जल्दी से जल्दी आइए? मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ पे आए और माता का आशीर्वाद लें। आज तो आज और कल जो है महाशिवरात्रि भी मनाई जा रही है, भोले बाबा का भी और माता का आशीर्वाद लोग लेने के लिए यहाँ पे आए, और किसी किस्म की कोई असुविधा यहाँ पे नहीं है। हर तरह का जो अरेंजमेंट्स हैं श्राइन बोर्ड की ओर से किए गए हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, किसी किस्म की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को नहीं है यहाँ पे। ये थे हमारे साथ SDM भवन जगदीश सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि श्रद्धालु अपना प्रोग्राम बना के जहाँ पर आए, परंतु उनके लिए थोड़ी सी जहाँ पर है कि अपने जो गर्म कपड़े हैं वो साथ में लेकर आए, क्योंकि रास्ते में ठंड हो सकती है। श्राइन बोर्ड ने पूरे इंतजाम तो किए हुए हैं, परंतु फिर भी उनको अपने इंतजाम करके ही भवन पे आना चाहिए। प्राचीन गुफा खुली हुई है, बर्फ की चादर में माँ वैष्णो देवी का दरबार जो है वो सजा हुआ है, और आज महाशिवरात्रि है, कल महाशिवरात्रि है, तो श्रद्धालु बढ़ चढ़ के माता वैष्णो देवी के दरबार में आए। और मैं MH1 न्यूज के सभी श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि की जहां से शुभकामनाएं देता हूं, और माता वैष्णो देवी के दरबार से जय माता दी।